तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। तालिबान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर नेदा मोहम्मद नदीम ने सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर भेजा। इसमें कहा गया कि अगला नोटिस जारी किए जाने तक यह नियम लागू रहेगा। इस फैसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को कहा कि लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन है। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान को इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर नहीं माना जा सकता। बीबीसी से बातचीत में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने कहा, तालिबान ने उस एकमात्र पुल को नष्ट कर दिया जो मुझे मेरे भविष्य से जोड़ता था। मुझे भरोसा है कि मैं पढ़ाई कर अपनी ज़िंदगी बदल सकती हूँ, लेकिन तालिबान ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी।